किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। अगर एक सदन सहमत होता है और दूसरे सदन रद्द कर देता है तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत में 108 के अंतर्गत में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। अगर एक संसद सहमत होता है और दूसरा सदन सहमत नहीं होता तो भी ठीक है, और दूसरा सदन रद्द कर देता है या अस्वीकार कर देता है ठीक है तो भी बुलाया जाता है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 महीने तक कार्यवाही ना होने पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है ठीक है। जो बिल है उस पर 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होगा, अगर कोई बिल है 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है तो भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। किसी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन खर्च कर सकता है, तो किसी की संतुष्टि की जरूरत नहीं है ठीक है। किसी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन खर्च कर सकता है, तो किसी भी की संतुष्टि जरूरत नहीं है ठीक है। इमरजेंसी फंड से कौन धन खर्च कर सकता है, किसी की संतुष्टि की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति को ठीक है। नेक्स्ट है, किसी संतुष्टि के संतुष्टि या भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन खर्च कर सकता है, किसी भी संतुष्टि की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद का बात मानने के लिए बाध्य है आर्टिकल 74 के अंतर्गत में ठीक है, जबकि अनुच्छेद 85 बोलता है लोकसभा को भंग कर दो ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाद है 74। युद्ध तथा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन सा अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है, तो राष्ट्रपति करेगा। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। कौन से प्राधिकारी भारत के उच्चतम न्यायालय से सलाह के रूप में राय प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रपति प्राप्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय से सलाह प्राप्त कर सकता है केवल राष्ट्रपति ना कि प्रधानमंत्री। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग की जा सकती है ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री कहने पर। राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर भी सही होगा। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर क्या कर सकता है, आपातकाल घोषित कर सकता है। प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, आपातकाल घोषित कर सकता है प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, 123 के अंतर्गत में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, 123 के अंतर्गत, जबकि 74 जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य किया गया है। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, जब दोनों सदन नहीं चल रहा हो तब ठीक है, जब दोनों सदन नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश है आरंभ होने कितने दिनों तक अधिवेशन का आरंभ होने कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है, तो 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा ठीक है, 6 सप्ताह तक कहेगा प्रस्तुत करने के लिए। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने कितने दिनों तक अधिवेशन के आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है, तो 6 सप्ताह तक ठीक है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंड मामले में कर सकता है, मृत्यु दंड के मामले में कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड का को भी क्षमा कर सकता है, और ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं तो भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। अगर सैनिक अदालत देता है दंड तो भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, मृत्युदंड भी देता है तो भी क्षमा कर सकता है, या ऐसे मामले दिए गए जो दंड संघीय कार्यपालिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं तो प्रयोग सभी होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है, एब्सोल्यूट
प्रोहिबिशन होता है, ठीक है, सस्पेंडिंग प्रोहिबिशन होता है और पॉकेट वीटो होता है, ठीक है, पॉकेट प्रोहिबिशन होता है, तो पूर्ण निषेध, निलंबनकारी निषेध और पॉकेट निषेध तीनों होता है, पूर्ण निषेध, निलंबनकारी निषेध और पॉकेट निषेध होता है, पूर्ण निषेध, निलंबनकारी निषेध और पॉकेट निषेध तीनों होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कहलाता है, सस्पेंडिंग प्रोहिबिशन कहलाता है एंड पॉकेट प्रोहिबिशन कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, एब्सोल्यूट वीटो होता है, सस्पेंडिंग वीटो होता है एंड पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो का यूज सबसे पहले किसने, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था दोस्तों, डाकघर संशोधन अधिनियम में, ठीक है, 1988 या 87 कही है, ठीक है, ये सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति शक्ति क्षमादान का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है, सैनिक अदालत में भी कर सकता है, दिए गए जो दंड है उसमें भी क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड में भी कर सकता है, या ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है तो ये मना कर सकता है, मतलब क्षमा दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में वीटो का पॉकेट का प्रयोग किया था वो है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, जो ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो का प्रयोग किया था, सातवां ज्ञानी जैल सिंह जो सातवां राष्ट्रपति था दोस्तों, ठीक है, जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में 1988 को भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, किसने, ज्ञानी दयाल सिंह ने किया था, ठीक है, जो साथ में थे। राष्ट्रपति छठा कौन थे, राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी थे, चौथे बीबी गिरी थे। राष्ट्रपति को लोकसभा के किन दो सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण कर सकेगा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो कौन कार्यभार ग्रहण करेगा, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक, यदि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए पुनर्विचार कर लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत यानी सस्पेंडिंग बिल का प्रयोग करेगा, ठीक है, सस्पेंडिंग वीटो का प्रयोग करेगा, तब राष्ट्रपति फिर उसे क्या करता है, लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करेगा, उस बिल को अनुमति देगा, ठीक है, आर्टिकल 74 के अंतर्गत में उसे मंत्रिपरिषद का बात मानने के लिए बाध्य माना गया है, ओके, आर्टिकल 74 के अंतर्गत में। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा द्वारा पारित विधेयक, यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत यानी जैस की तस पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो वो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करेगा, अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो लेजिस्लेशन राइट है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो लेजिस्लेटिव राइट है, लेजिस्लेटिव राइट है, विधायी अधिकार है, ठीक है। अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, विधायी अधिकार है, 123 के अंतर्गत में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन सा है, 123 के अंतर्गत में, जो विधायी अधिकार कहलाता है, कौन सा अधिकार कहलाता है, विधायी अधिकार कहलाता है, कौन सा अधिकार कहलाता है, विधायी अधिकार कहलाता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार क्या कहलाता है, विधायी अधिकार कहलाता है। विधायी अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो फाइनेंशियल कमीशन के अध्यक्ष को नियुक्ति की जाती है, ठीक है। संघ के राज्य के क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी
राज्यपाल का, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को नहीं किया जाता है। कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? तो देखिए, राज्यों का विधानसभा है उसके अधिकार में नहीं आता। बाकी राज्यों के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। राज्यों के विधानसभाएँ भाग लेता है, ठीक है, 112 का है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा भाग लेता है, लेकिन राज्यों के विधान परिषद नहीं लेता है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, 112 का। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यह राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वह अगर विधान परिषद का अगर सदस्य होता है तो चुनाव के योग्य नहीं होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, लेकिन विधानसभा का सदस्य होगा तब चुनाव में भाग लेगा। ओके, विधानसभा का सदस्य होगा तब भाग लेगा, लेकिन उच्च सदन का होगा तो भाग नहीं ले सकता राष्ट्रपति के चुनाव में, मुख्यमंत्री। भारत के संविधान में क्या कथित है? देखो, संसद के राष्ट्रपति दोनों सदनों से मिलकर बनी है। हाँ, संसद का राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर संसद बनी है। राष्ट्रपति या दोनों सदनों से मिलकर क्या बना है? संसद बना है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदन का सदस्य नहीं होगा। तो 1-2 दोनों सही है, लेकिन अंग है दोस्तों, ठीक है, अंग होगा। ओके, अंग तो होगा लेकिन सदस्य नहीं होगा, ठीक है, सदस्य नहीं होगा। संसद का सदस्य नहीं होगा राष्ट्रपति, लेकिन अंग होगा। ओके, तो संसद के राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति या दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। हाँ, बनेगा, संसद जो है राष्ट्रपति या दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सही बात है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट, भारत का एक गणतंत्र का मतलब क्या है? यहाँ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब है हर 5 साल पर सरकार का चुनाव होना, ठीक है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत गणतंत्र है, मतलब क्या हुआ? यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है, भारत गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत में वंशानुगत शासन है, ठीक है, सॉरी, वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो संसद सदस्यों के द्वारा और विधानसभा के सदस्य द्वारा, ठीक है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होंगे कहाँ के? लोकसभा से सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे और राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे चुने गए, ठीक है। तो 1, 2, 3 होगा सही आंसर, 118 का। 119 का, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय का। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय और उप राष्ट्रपति के भी चुनाव में, ठीक है। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति महीने कितने वेतन प्राप्त होता है? तो 5 लाख रुपये प्रेजेंट में, अभी प्रति महीने कितना मिलता है? 5 लाख रुपये, ठीक है, जबकि रिटायर हो जाने पर सालाना 9 लाख रुपये, सालाना बोल रहा है 9 लाख रुपये रिटायर होने पर, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है? राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये मिलता है और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये मिलता है, ठीक है। सांसद सदस्य को भी 4 लाख रुपये मिलता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और वह प्रेसिडेंट का भाग मतलब पद संभाले तो भी उसका अब राष्ट्रपति के बराबर वेतन मिलेगा, ठीक है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना होता है? 15,000 रुपये। नामांकन के समय जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना होता है? 15,000 रुपये जमा करना होता है।
जमानत के तौर पर नामांकन के समय राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया मिलता है? 9 लाख रुपया। ठीक है, 9 लाख रुपया आजीवन प्रति वर्ष मिलता, प्रति वर्ष 9 लाख रुपये मिलेगा राष्ट्रपति को प्रति वर्ष। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र की राष्ट्रपति 12वीं थी। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र की कितनी भी राष्ट्रपति थी? 12वीं, जबकि शर्मा जी एक थे, ठीक है, जो 10वें बने थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, 10वें राष्ट्रपति थे। अब 12वीं कौन थे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 12वीं जो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 11वीं अब्दुल कलाम आज़ाद जी, और 10वां श्री गोपाल शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 10वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 10वें राष्ट्रपति थे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति उसमें सहमति देते हैं।